पौधा की जैसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ है और मस्त है। तो सुबह की शुरुआत तो भाई हम हाउसवाइफों की किचन से ही होती है। तो चाय बनाई थी सबके लिए, मैंने भिजवा दी है और कुकर में रख दिए हैं आलू उबलने के लिए। तो चाय पीने के बाद में ना ये आलू उबल गए थे, इनको हम लोग छील रहे हैं। गरम गरम आलू बढ़िया से छिल जाते हैं और बच्चों को स्कूल जाना है तो उनका टिफ़िन भी रेडी करना है, तो इसीलिए थोड़े से आलू का ही भरता बना के दीदी ने उसमें मसाले वगैरह मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि अभी बच्चों को रेडी भी करना है। और दीदी उधर बच्चों को तैयार कर रही थी, मैंने फटाफट से पराठे सेक रही हूँ। और आन्या स्कूल नहीं जा रही हैं, आन्या की तबीयत जो है वो कुछ दिन से सही नहीं चल रही है, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेज रही हूँ मैं। तो देखिए, एक कुकर भर के और आलू उबलने के लिए रखे हैं, क्योंकि आज हम लोगों को पापड़ भी बनाने हैं। एक कुकर के पापड़ हम लोग बना चुके हैं, एक कुकर के और बना लेंगे तो इतने मतलब ठीक हो जाएंगे इतने। बाकी और भी चीज़ें बनती हैं ना, तो इस टाइम घर में सबकी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, इसीलिए ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए स्कूल नहीं गई, तबीयत खराब होने का ड्रामा बनाया है। चलो अभी जाओ पापा साथ, पापा साथ जाओ, पापा छोड़ आएंगे। तो खाने की तो सारी तैयारी जो है वो हो चुकी है और चाय वगैरह जो है वो मैं पी के आ गई हूँ। तबीयत सही नहीं है, तभी इतने दिनों से वीडियो जो है वो आ नहीं पा रही थी। आन्या तो ज्यादा ही बीमार हो गई है, 2-3 दिन हो गए हैं इसको फीवर कंटिन्यू, पेट में दर्द, वोमिटिंग, सारे चेकअप वगैरह हो चुके हैं, उसमें कुछ भी नहीं निकला, सारी चीज़ें नॉर्मल है। पता नहीं क्यों उसके पेट में दर्द आए दिन होता रहता है, तो मैंने कहा चेकअप करवाओ, तो उन्होंने बोला फीवर आ जाता है ना, तो लीवर में थोड़ा बहुत उसका साइज बढ़ जाता है या घट जाता है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का पेट दर्द होता है, बाकी और कोई बात नहीं है। मस्ती कर रही है, स्कूल नहीं गई। मैंने कहा आज चले जाओ बेटा, आज लास्ट एग्जाम है, इसके 3 एग्जाम छूट चुके हैं, कल ये देने जाएगी अपने सारे पेपर। इसकी तबीयत इतनी खराब थी, वैसे तो नहीं सोचा था छोड़ पाऊंगी, बट तबीयत खराब थी इस वजह से पेपर छूट गए। अभी छील दूंगी बेटा। तो होली के 8 दिन बचे हैं सिर्फ, और किचन की सफाई करी थी कल, पापड़ बनाए थे। तबीयत खराब होने की वजह से ना सारे काम जो है वो इस बार लेट हो रहे हैं, क्या करें, सभी लोग बीमार हैं। दीदी की भी तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है, मतलब मौसम बदल रहा है ना, तो इस बार हमारे घर में सब लोग ही बीमार पड़ गए हैं। वैसे मैं नहीं पड़ती थी, बट इस बार मैं भी बीमार पड़ चुकी हूँ। तो आज भी पापड़ बनाएंगे, एक कुकर आलू जो है वो उबलने के लिए रखा ही हूँ मैं। तो पराठे वगैरह बना के सबको नाश्ता करवा दिया था, खुद भी नाश्ता कर लिया था, फिर सोचा कि अभी थोड़ा रूम को क्लीन करते हैं। तो अभी ना सामान को मैं उतार रही हूँ, दीदी पकड़ रही थी, बस स्टैंड को झाड़ूंगी और झाड़ झाड़ के सारे सामान को उसकी जगह पे सेट कर दूंगी। ये रूम ना एकदम छोटा सा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, और बस एक स्टैंड पे ही सामान रखा हुआ है। बाकी अलमारी वगैरह की क्लीनिंग मैं नहीं करूँगी, वो तो बाद में जब कभी भी सेट कर दो सारे सामान को। तो स्टैंड की क्लीनिंग करने के बाद में ना ये आलू का भरता रेडी कर रहे हैं हम लोग पापड़ के लिए। तो देखिए इसमें जीरा डाला है, जो नमक मिर्चा पिसा हुआ होता है ना वो थोड़ा ही था, तो इसीलिए थोड़ी सी सूखी मिर्च और नमक हम लोगों ने बाद में और मिला दिया था। और जो आलू के पापड़ के लिए भरता बनाया जाता है उसमें नमक मिर्च थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि पापड़ भुजने के बाद में ना उसमें नमक जो है वो चटक लगता है, इसीलिए नमक मिर्च थोड़ा सा कम डालें। तो भाई बैठ गए हैं हम लोग पापड़ बनाने के लिए, और हमारे पास ना रोटी, जो रोटी मेकिंग मशीन होती है वो है, तो उससे पापड़ बहुत जल्दी बन जाते हैं, एकदम फटाफट दबाते जाओ, लोई रखो दबाओ एंड एक लोग पसारते जाएं। तो हम लोग फटाफट से सारे पापड़ बना लेते हैं, दीदी और मैं होने चाहिए, बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें। और मुझे ना
होली से ज्यादा दीपावली अच्छी लगती है। होली पे इतने सारे काम हो जाते हैं, पापड़ बनाओ, गुजिया बनाओ, अहिसे बनाओ, सारे के सारे काम ऐसे होते हैं मतलब खटरोग वाले, टाइम बहुत लगता है, चिप्स बनाओ, और अभी तो चिप्स हमने बनाए भी नहीं है। और पता है इस टाइम पे घर में किसी की भी तबीयत सही नहीं है, दीदी भी बीमार है, मैं भी, और ऊपर से बच्चे बीमार पड़ जाएं, हम लोगों का तो चल जाता है, हम लोग भाई हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, तबीयत खराब होने पर भी घर के काम हो जाते हैं, बट अगर बच्चे बीमार पड़ जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखो आनिया मेरे पीछे पीछे लगी हुई है, तो सारे पापड़ थोड़ी ही देर में बन गए थे। अभी हम लोग आ गए हैं रूम में, टांड की तो सफाई कर दी थी, अभी अलमारी और क्लीन करनी है, तो सारी अलमारियों को मैंने झाड़ के पोंछ दिया था, अभी बिछा रही हूँ उसमें पन्नी और सामान सेट करती जाऊँगी, बस इतना ही सही काम है, विंडो क्लीन करनी है और गेट वगैरह साफ करने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस रूम में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस रूम को साफ करने में। और किचन की जो सफाई है ना वो तो हम कर ही चुके हैं, किचन के बाद इस रूम को क्लीन किया है क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, किचन में भी ज़्यादा कोई खास टाइम नहीं लगा था। डब्बे वगैरह मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ तो वो इतने गंदे होते ही नहीं है, इसीलिए पहले किचन की सफाई करी, आज इस रूम की, एक एक करके सारे कमरे क्लीन करेंगे। हम लोग हर साल का ये रहता है एक दिन में एक रूम फिक्स कर लेते हैं क्योंकि खाना पीना झाड़ू पोछा उसके साथ एक रूम की सफाई जो वो आराम से हो जाती है। और आज तो हमने एक कुकर भर के पापड़ भी बनाए थे, तो देखिए गेट वगैरह सब साफ कर दिए हैं, उधर दीदी ने टेबल साफ कर दी थी, इधर मैंने फटाफट से सारी अलमारियों को अच्छे से क्लीन कर दिया था, और देखिए पूरे रूम की जो क्लीनिंग है वो हो चुकी है। अभी ना कल कुछ पर्दे वगैरह धुले थे मैंने, तो इनको मैं आ गई हूँ सुखाने के लिए, कल किचन की क्लीनिंग करी थी ना, तो उसी के साथ में सारे जो भी बाहर वाले पोर्शन के कर्टन्स हैं सब धुल दिए थे मैंने। तो अंदर वाले पोर्शन से तो मैं एकदम फ्री हो गई हूँ, बर्तन थे वो भी धुल चुके हैं, अभी रूम में आ गई हूँ मैं, रूम सेट तो कर दिया है, सिर्फ झाड़ू और पोछा करना बाकी है। और तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टूट रही है, क्या बताऊँ मैं, एक तो त्यौहार ऊपर से तबीयत खराब, कैसे क्या होगा। पापड़ बन गई, ये टेंशन ख़त्म हो गई, कल भी बन गए थे, एक कुकर के कल बनाए थे, दो ही कुकर के बनाए इस बार क्योंकि तबीयत सही नहीं है ना, वैसे हम लोग चार चार कुकर के बनाते थे पहले। चल अन्नू को सिरफ पिला देती हूँ, सिरफ पीने के नाम पे ना ऐसे करती है, देखे अन्नू मेरी सिरफ पिएगी कि नहीं, फिर सही कैसे होगी, फिर सही कैसे होगी। ये वाले कपड़े पहन के जा रही हो, अच्छे लग रहे हैं। अभी मत तैयार होना, जब हो जाए ना कि अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, वरना कपड़े गंदे हो जाएंगे। कौन सी साड़ी पहनूं? हैं? जो अच्छी लगे वाली पहन लो, जो करवा चौथ पे पहनी थी। कौन सी यार? नीली वाली, अभी जो करवा चौथ पे लाई थी, या वो वाली ब्लू वाली जो लवली की शादी में ली थी? हाँ वो पहन लो, वो उसका ब्लॉग ही नहीं बनाया मैंने। हाँ वो पहन लो, अच्छी है, हाँ वही पहन लो। तो नहा धो के सारे काम से ना एकदम फ्री हो चुकी हूँ मैं, और आज है मौसी के यहाँ पे भंडारा, आज बृहस्पति है ना, पिछले थर्सडे को मैंने बताया था कि हम लोग गए थे ना वहाँ पे कलश यात्रा में। सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ, तबीयत नहीं सही है ना, मेरी आवाज़ देख सकते कितनी चेंज चेंज लग रही है। तो लास्ट थर्सडे को हम लोग गए थे कलश यात्रा में, उसके बाद एक भी वीडियो नहीं डाला है मैंने, तबीयत ही नहीं सही थी। कलश यात्रा वाला भी 8 दिन बाद डाल रही हूँ जब भंडारा है, कल ही तो वीडियो ही डाली है। तो आज हमें भंडारे में जाना है, तो भाई सारे काम से तो फ्री हो चुके हैं, निकलेंगे 4 से 5 बजे की तरफ में निकलेंगे, भैया बाहर के काम निपटा रहे हैं, उसके बाद चलेंगे, मम्मी पापा ये लोग तो वहीं पर ही हैं। तो देखिए मेरी ननद और नंदोई जो हैं वो आ चुके हैं, ये लोग भी हमारे साथ चलेंगे। गाइज हम लोग फाइनली निकल चुके हैं घर से, तो निकल गए हैं हम लोग, 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे,
और लेट हो गए थोड़ा सा, वहां से मम्मी फोन कर रही है जल्दी निकलो जल्दी निकलो, तो पहुंचने में तो ज्यादा देर नहीं लगती है। तो मौसी के घर पे हम लोग पहुंच गए थे, और ये जो बैठी हुई है ना, ये मेरी जिठानी है मौसी की बहू। और दीदी सब बढ़िया? थकावट हो गई होगी? जो परीक्षित बनता है ना उसकी मेहनत ज्यादा पड़ती है उसपे। सही बात है। इधर बैठो। और मौसी बढ़िया? मौसी और बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। सब लोग मेरे वीडियो देखते हैं। अच्छा आपकी भी वीडियो बन रही है। तुम लोग दुबले हो गए इंदौर में का खा? मिली है हमारी नई निवेली जिठानी जी से, बहुत मोटी है। नहीं पहले ही मिल चुके हैं एक बार। कब मिली? जब घर पर आए थे। बहुत पहले बनाई थी। हाँ 3 साल पहले। 3 साल नहीं, 3 साल हो गए। 2 साल तो चैनल ही खुले हुए अभी, तो 3रा साल लग गया है। हाँ और बढ़िया बढ़िया। मैं दुबली नहीं हो रही दीदी, मोटी नहीं हो रही। सही बात है। और सब बढ़िया। मैं बड़ी दूर दूर तक फेमस हो गई, मेरी सारी रिलेशन में सब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। हम डेली देखते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं। चलो आप थोड़ा खाया पिया करो यार। वहाँ बहुत ज्यादा ही मम्मी दुबली है ना सच में। हाँ घर पे आना, परसों चली जाओगी? परसों बाबू बोली इधर देख, इधर इधर देखो मोदा किधर इधर इधर। उनका है मेरी नदी रानी का है छोटी वाली। अरे मोदक, क्या नाम है? मोदक, मोदक बोलते हैं। मोदक प्यार से मोदक 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 ही जैसा लगता है। अरे वो सब खा रहे ना। बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। आईसी लग रहा है किसी को। देख रहा है कि हाय देख रहा है। एक और बाबू है सामने, एक और बाबू है ना सामने। गाइस मिलिए हमारी नई नई जेठानियों से, ये देवरानी है। हेलो गाइस ये सब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। हम भी देखते हैं, ये भी देखता है, भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भागवत हुई थी, तो इधर ना जेंट्स वगैरह खा रहे हैं, जो भी गांव के लोग हैं ये लोग खा रहे हैं। हम लोगों ने भाई घर में ही खाना खाया था, तो देखिए खाने में क्या क्या था। मट्ठे के आलू थे, और एक मिक्स वेज थी, लड्डू थे, और खीर थी, पूड़ी थी, कचौड़ी थी। खाना बहुत अच्छा लगा हमें। तो खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है। भंडारे का खाना वाकई बड़ा टेस्टी होता है, चाहे जैसे भी बना दो मजा आ जाता है खाना पीना खा के। मजा आया दीदी को? अभी ये नहीं आए हैं, हम लोग इन्हीं का वेट कर रहे हैं। ये आ जाए खाना पीना खाए, फिर हम लोग निकले घर के लिए। ये शिव तुम नहीं मिले किसी से? बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस बोल दे तो दुकान मामी से बातें करें। ये मेरी वीडियो को कम से कम 12-13 बार रिप्ले कर करके देखता है घर पे। हैं मामी की वीडियो देखते हो? चिची मैं अच्छे लगते हैं हैं? तो कुछ बोलो भी तो। कोई कहेगा नहीं बोलना आता यश को, बोलो। गूंगा नहीं है, बोल लेता है, लेकिन शर्म आ रही है। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर पे, और अभी जो टाइम हो रहा है ना, दिखाऊं आपको कितना टाइम हो रहा है, दिखाती हूँ एक सेकेंड। 12:15 हो चुके हैं। हम लोग एक्चुअली आए तो लाइट ही नहीं आ रही थी, अब जाके लाइट आई है 12 बजे।
तो मेरी आंख खुली, मैंने कि लाओ ब्लॉग एंड कर देती हूँ, आप लोगों से तो मैं मिल ही नहीं पाई। वहाँ खाना पीना खाया, सबके साथ बैठ गए, और हमेशा फिर ब्लॉगिंग करना भी सही नहीं लगता है, ससुराल है ना, कहीं जाओ। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग एकदम फ्रैंक रहते हैं कैमरे के साथ में, जो कि एक चीज़ काफ़ी अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं जाऊँ और वो कैमरा फ्रेंडली ना हो तो मेरे लिए ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट मेरी रिश्तेदारी में ऐसा कोई है ही नहीं भाई, सभी बड़े प्यारे हैं वाकई में। तो आज बड़ा इंजॉय किया, बड़ी थकावट लग रही है मुझे, नींद आ रही है, क्योंकि दिन में सफाई करी, रात को फिर शाम को हम लोग वहाँ गए, तबीयत भी सही नहीं है तो थकावट हो जाती है नेचुरली। तो आई होप कि ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे सभी को, बाय बाय।